अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आई एम असदुल्ला गोरी एंड टुडे माय टॉपिक इज मैट्रिसेस एंड टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व एंड एक्सपोज समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ओवर हियर वी हैव सम नंबर्स। बेटा यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इंटीजर्स वैल्यू, जिनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पर मैट्रिसेस हैं। कल यहाँ पर बल्कि इसको मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ, मैट्रिक्स, और यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ। राइट, नंबर लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंटीजर वैल्यूज और डेसिमल वैल्यूज और स्केलर क्वांटिटी। एलियर, ओ सॉरी, लेट्स सपोज वी हैव सम नंबर्स एंड मैट्रिक्स, वी कैन नॉट ऐड देम। हम इनको यानी नंबर को मैट्रिक्स के साथ हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट ऐड नंबर विद मैट्रिक्स, बट वी कैन ऐड मैट्रिक्स विद एट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ विद सेम ऑर्डर। ठीक है, ये बात भी आ गई। नेक्स्ट पर आ जाओ, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट नंबर विद मैट्रिक्स, बट वी कैन सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर। सही, ये भी एक बात हुई। अब ये एक नंबर है, ये एक मैट्रिक्स है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, हम मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, इसके लिए क्या होगा, इसकी ऑर्डर अगर ए टाइम्स बी है और इसकी लेट सपोज बी टाइम्स सी है, तो पहला मैट्रिक्स जो आ रहा है सेकंड मैट्रिक्स से पहले, इसका बी और इसका बी इक्वल होना चाहिए। इट्स अ नेसेसरी कंडीशन। दोनों इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। सेकेंडली, जो रिजल्ट आएगा वो इसकी ऑर्डर जो होगी वो ए टाइम्स सी होगी, यानी इतनी रोज होंगी, इतने कॉलम्स होंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी हम इसको डिटेल से बात करेंगे। सिमिलरली वी कैन डिवाइड टू नंबर्स, कर भी सकते हैं, इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स से डिवाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम यूज़ नहीं करते, ये ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर सकते। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं करते, हम उसका सिर्फ इन्वर्स निकालते हैं। राइट, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर रहे होते, हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो एडिशन की बात भी हो गई, सब्ट्रैक्शन की बात भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात हो गई। और डिवीजन में तो नंबर्स हम मैट्रिक्स को यानी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की तो बात क्लियर है, तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं टॉपिक पे जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के, उसको ज़रा देख लेते हैं कि क्या करना है इसमें। तो इसमें तुम ये देखो कि तुम्हें एक नंबर, एक मैट्रिक्स मिला हुआ है, लेट सपोज मैट्रिक्स ए विथ 1, 2, 3 एंड 4, मीन्स 2 by 2, 2 rows and 2 columns, एंड वन मोर मैट्रिक्स बी, लाइक बी इज इक्वल टू 1, 2, 1 row and 2 rows and 1 column, ठीक है। अनदर मैट्रिक्स सी विथ 1, 3, 1 rows and 2 column, ठीक है। अभी तीन मैट्रिक्स हो गए, अब मैं देखता हूँ कि इनमें क्या फिजिबिलिटी है, कि बनता है क्या, कैन वी मल्टीप्लाई ए बाई बी, 2 rows 2 column, 2 rows 1 column, यस वी कैन मल्टीप्लाई देम, क्योंकि इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है। और रिजल्ट आएगा, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा, लेट्स सपोज ए बी इज इक्वल टू एक्स विच इज 2 rows and 1 column, क्योंकि ये और ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। आओ जरा देखते हैं, पॉसिबल है। कैन वी मल्टीप्लाई ए बाई सी, वी चेक इट, ए 2 rows 2 column, बी 1 row 2 column, नॉट इक्वल टू 1, वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे चलते हैं, बी इन टू ए कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं, बी 1, 2, A 1, 2, 3, 4, 1, 2 rows 1 column
एंड टू रोज टू कॉलम अगेन इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि इसको भी नहीं कर सकते। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स व्हिच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स वन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स टू। वन और टू मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव मैट्रिक्स नंबर वन, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव मैट्रिक्स नंबर टू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स नंबर टू बाय मैट्रिक्स नंबर वन। ठीक है, तो इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स वन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स टू, सो देन वी कैन मल्टीप्लाई देम, अदरवाइज वी कांट, एंड द रिजल्ट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ और इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टाइम्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दैट इज द रिजल्ट और द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो आपने देख लिया इसको हम कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, ये सारी बातें यहाँ तक पहुँची, इसको नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैट्रिक्स में यही है, अगर तो ये समझ में आ गया तो फिर आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इसको उतार लो, फिर मैं तुम्हें आगे थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। आप लोगों को भी मैक्सिमम प्रैक्टिस यही करनी है, जैसे स्टूडेंट मेरे कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं काम, तो आप लोगों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब यूजुअली हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो 70 to 80% स्टूडेंट्स चूँकि बिल्कुल नया टॉपिक होता है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे होते, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो जाता है सेम ऑर्डर में, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट मल्टीप्लीकेशन इज़ अ डॉन्टिंग टास्क फॉर द न्यू कमर्स, सो यू हैव बेटर सॉल्व क्वेश्चन एट योर होम रादर देन गेटिंग टू एनी ट्रबल। कई प्रॉब्लम में जाने से पहले ही आप इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें अपने घर के ऊपर बैठकर। हम फर्दर कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी मल्टीप्लिकेशन के, तो मल्टीप्लिकेशन की जो फिजिबिलिटी है वो बता दी आपको, वो उसको मैं दोबारा नहीं दोहराता कि किसको किसके इक्वल होना चाहिए, राइट, और रिजल्टेंट किस फॉर्म में होगा। आइए आगे चलते हैं। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस वन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स एंड दिस वन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसकी एक रो बन रही है, इसका एक कॉलम बन रहा है, इसका स्क्वायर 2 by 2 है, जो भी है। फिजिबिलिटी यस पॉसिबल इन केस ए सी, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बी ए, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से एक बात बड़ी क्लियर हो रही है, इन मैट्रिसेस ए टाइम्स बी डज नॉट इक्वल टू बी टाइम्स ए। आप कहते हैं ना सर 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 6 को 2 से कर दें तो दोनों इक्वल ही होते हैं, 12 होते हैं, बहुत आर स्केल क्वान्टिटीज एंड ओवर हियर वी हैव मैट्रिसेस, तो इफ वी चेंज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रिजल्ट वुड नॉट बी इक्वल, बराबर नहीं होगा रिजल्ट उसका। ठीक है, ए टाइम्स बी डज नॉट इक्वल टू बी टाइम्स ए, आपने देख भी लिया ए टाइम्स बी निकल रहे, बी टाइम्स ए निकल ही नहीं रहा, और अगर कहीं मल्टीप्लाई भी होंगे तो उसका रिजल्ट सेम नहीं होगा, राइट। आसान भी हो जाए फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आप जब तक कॉपी कर लो। सो इसमें हम ये करते हैं कि हम मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, लेट सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज 1, 2, 3 and 4, अनदर मैट्रिक्स बी हैविंग एंट्रीज 5, 6, 7 and 8। अब इसी से थोड़े डिस्टेंस पर मैं कुछ एक और काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर, उसको भी तुम लोग चेक करना जरा कि क्या कर रहा हूँ मैं। मैट्रिक्स पी विद एलिमेंट्स, मैं ए कह देता हूँ, इसको ज़्यादा इजी हो जाएगा, ए ए 1 1, ए 1 2, ए 1 2 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट, वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड देन बी विद बी 1 1, बी 2 1, बी 1 2 एंड बी 2 2, राइट। नाउ आई डू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस फर्स्ट एंड देन आई विल सॉल्व दिस पार्ट, पहले इसको करूँगा फिर इसे करूँगा, ठीक है, क्यों करूँगा इसकी बजाय, बिफोर डिस्कसिंग, बिफोर सॉल्विंग दिस पार्ट। ए 1 1 मीन्स एलिमेंट हैविंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजिशन, डेट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, बात क्लियर है तुम्हें, यहाँ पर बता दूँ रो कॉलम कैसे बन रहा है, क्लियर है बिल्कुल। आगे चलते हैं, ए टाइम्स बी इक्वल्स टू, ए फर्स्ट आएगा,
A11, जरा देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, इधर कर उसको देखो, यहाँ पे मैंने एक एरो बना दिया है ए पर, यूं कर कर, और मैं बी के साथ क्या करने जा रहा हूँ जरा देखो, ये ग्रीन चैनल से मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये बना दी मैंने, इसका एरो वर्टिकल चल रहा है, उसका एरो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, दिस वन शोइंग रो एंड दिस वन शोइंग कॉलम, तो क्या करूँगा भाई, A11 टाइम्स B11, ठीक है जी, प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड देन ए दिस वन दिस इंटू दिस, ये तो आपके पास हो गया, दिस इंटू दिस B1 प्लस A11 प्लस B11 प्लस A12 टाइम्स B21, ठीक है, रो 11 इंटू 11 12 इंटू 21, मैंने एरोस बना दिया इसका, ठीक है, अब नेक्स्ट एरो अगर मैं बनाऊंगा निचले वाली रो के लिए तो मैं ये बनाऊंगा, ये रहा सेकंड एरो, ठीक है, एरो नंबर वन, एरो नंबर टू, देन वन एंड देन टू, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको बताएगा मुझे, देन A21 टाइम्स B11 प्लस A22 टाइम्स B, कुछ गड़बड़ हो रही है अभी, मैं इसको ब्रैकेट, हाँ बता देता हूँ मैं कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैं इसको लिख रहा हूँ इसलिए, B21, ठीक है, ये हो गया एक, अब आते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पर इधर गैप देते हैं, ये आ गया इधर, ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, अब सेकंड चले, किया जी मैं बताता हूँ, अब थोड़ा सा गैप, जी क्या करूँ, B11 तो ये आ गया, A21 एंड A22, B11 एंड B21, अब यहाँ से आप करेंगे, ये देखिए क्या कर रहे हैं, A11 टाइम्स B12 प्लस A12 टाइम्स B22, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हमने इसकी बात की थी इसरो की, ठीक है, अब हम इसरो की बात कर रहे हैं, B2A21 बताओ क्या होगा, टाइम्स A21 इंटू B11 है, मैं खुद कर, हाँ ठीक अच्छा नहीं मैं देख लेता हूँ, मैं कहीं ना कहीं कोई चीज़ होगी, B11 12 ये आ जाएगा तुम्हारे पास नेक्स्ट पे, तो तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी को तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो तुमने एक तो इसको मल्टीप्लाई किया B21 B22 और ये 12 आ 21 आ गया, और ये A21 के साथ तुम्हारे पास है B12 प्लस A22 टाइम्स B22, असल में हम इस तरह से लिखते नहीं तो इसकी प्रैक्टिस भी नहीं हो रही होती, ठीक है, अब ये तुम्हारे पास टोटल एंट्रीज आ गए, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, एक एंट्री कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट आते हैं A11 इंटू नेक्स्ट पर B21 B12 एंड A22 इंटू B22 ये आ गया, अब लास्ट रो पर आते हैं A21 इंटू B11 एंड देन A22 इंटू B22, A11 इंटू और फिर A22 इंटू B21, इस पर आए थे, अब नेक्स्ट पर आ जाएंगे, A21 रो चल रही है तुम्हारे पास ये वाली, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, ये मेथड हो गया, ठीक है, आगे तो यहाँ तक सारी ये सारी बात में, अगर ये मैट्रिक्स में समझ आगे तो समझ तुम्हारे काम बहुत अच्छे बन जाते हैं, अगर ये मैट्रिक्स समझ नहीं आया तो समझो काम बहुत गड़बड़ जाते हैं, ये 1 1 1 ये 2 2 चल रहा है, ये 1 1 ये 2 1 चल रहा है, ये 1 1 ये 2 1 चल रहा है, ये 1 2 है ये 2 2 चल रहा है, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिक मतलब इस तरह से इसको करते हैं, आओ जरा इसको भी करके देखते हैं कि ये कैसे होगा, ए टाइम्स बी इक्वल्स टू, अब मैं इसको कर रहा हूँ 1 इंटू 5, इसकी रो चलेगी और इसका कॉलम चलेगा, 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स, ये तुम्हारे पास एरो लगा हुआ था इसको यहाँ से मिटाता हूँ, 2 टाइम्स 7, ठीक है, फिर 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8 बन किया, अब फिर तुम दोबारा हो गए 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7 फिर 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8,
एट आई पास में, और ये सारी की सारी लोकेशन देखो क्या आ रही है, 5 प्लस 14, 6 प्लस 16, 15 प्लस 28, 18 प्लस 24 इज इक्वल टू फाइनली 19, 22, 22, यस 22। नहीं गलती क्या होता है, 4 to 8 32 होता है, फोर टू एट 32 होता है। अच्छा ये देखो 24 लिख दिया था मैं, थैंक यू बेटा, ये तो मिस्टेक्स बोर्ड पे मेरे साथ चलती हैं कभी कभी। आगे चलो, थैंक यू, क्योंकि बोर्ड बिल्कुल तुम्हारे सामने होता है, स्पेलिंग सब चीज़ तुम चेक कर पाते हो इसमें आसानी के साथ। कितना हो गया भाई, 15 प्लस 28, 13 का 3 और 148, 43, और ये देख लो 0 और 30, हाँ 50 हो गया, राइट। ये तुम्हारा मैट्रिक्स आ गया। तो इस जो मैट्रिक्स को तुमने सॉल्व किया है, ये तुमने किया हुआ है, इसका मेथड क्या था, इसके पीछे कौन सी फॉर्मेटिंग थी, वो ये थी, ये फॉर्मेटिंग थी, इस फॉर्मेटिंग से तुमने सॉल्व किया। अगर तो ये तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें वो करना बड़ा आसान हो गया। अगेन वही वाली बात है कि 2 रोज 2 कॉलम पर, यानी 1 1 इंटू दिस, 2 2 इंटू दिस, दिस इंटू, फिर इसके बाद तुम इसके आ जाओगे नेक्स्ट पर ये, और फिर इसको करोगे तो ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। यस 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 तो ये बहुत काम का मैट्रिक्स है, गो के इसको करने में टाइम लग गया, लेकिन तुम इसको उतार लो, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी इसको उतार लीजिए, इस मैट्रिक्स को, जो कि लेफ्ट हैंड पर वो भी और जो राइट हैंड पर वो भी, तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि जो सारा का सारा काम हो रहा था वो था क्या, वो ये था, ये रोज एंड कॉलम्स हैं, ये रोज एंड कॉलम्स की लोकेशन है, मैंने इस लोकेशन के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करके दिखाया है, सो दैट यू कैन ईजिली सॉल्व योर क्वेश्चन एज वेल इंशाल्लाह। तो कॉपी कीजिए, फिर बात करते हैं।